राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि राजस्थान में 25 सितंबर को समानांतर रूप से विधायक दल की बैठक बुलाई जाने के मामले में कांग्रेस और सुशासन समिति की ओर से किसी भी नेता को कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। समिति के पास कार्यवाही अभी भी पेंडिंग है। इस मामले को स्पष्ट करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। इन तीनों का मामला कांग्रेस अनुशासन कमेटी के पास है और जांच पेंडिंग है। अभी उस पर फैसला नहीं हुआ है, हम अभी उस पर विचार कर रहे हैं। बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने आया हूं। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता संदीप चौधरी के साथ वेणुगोपाल स्वाई माधोपुर के लिए रवाना हो गए। उल्लेखनीय है कि 25 सितंबर को बुलाई गई समानांतर बैठक के लिए जिम्मेदार तय करते हुए कांग्रेस अनुशासन समिति की ओर से इन तीनों नेताओं को नोटिस दिए गए थे। हालांकि इन तीनों नोटिस का जवाब दे दिया है, लेकिन अभी तक इन तीनों नेताओं पर कार्यवाही नहीं हुई है। संभावना जताई जा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान से गुजर जाने के बाद कार्यवाही को लेकर निर्णय हो सकता है। इस मामले में आलाकमान के समक्ष खुद पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने तीनों नेताओं पर कार्यवाही की मांग की है। विधायक दिव्या मदेरणा, इंद्राज गुज्जर, वेद प्रकाश सोलंकी भी तीनों नेताओं पर कार्यवाही करने की मांग की। पिछले दिनों पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी की अध्यक्षता में कांग्रेस अनुशासन कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें सचिव तारिक कनवर, अंबिका सोनी और जी आर राजू भी थे। तीनों नेताओं ने नोटिस के जवाब में बिना शर्त माफी मांगी है। बैठक में तीनों के जवाब पेश किए गए और चर्चा हुई। फिर तीनों का माफीनामा तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजकर पूछा गया कि मामले में क्या कार्यवाही की जाए। सोनिया के दफ्तर से जवाब नहीं आया, इसलिए ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई कि आलाकमान तीनों नेताओं पर कार्यवाही मूड में नहीं है। बाद में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ और मल्लिका अर्जुन खड़गे अध्यक्ष निर्वाचित हो गए और अब इस मामले में फैसला उन्हें ही लेना है। ज्ञात है कि वे खुद 25 सितंबर को हुए तमाम घटनाक्रम के गवाह है। तीनों नेताओं पर कार्यवाही होने की संभावना के संकेत तभी मिल गए थे जब भारत जोड़ो यात्रा ने कोटा में प्रवेश किया था तो लाडपुरा में हुई पहली नुक्कड़ सभा में ही मंत्री शांति धारीवाल को राहुल गांधी ने किसी प्रकार की तवज्जो नहीं दी। वहीं दूसरे दिन कोटा शहर के कई कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए तथा कोटा शहर में दोपहर रुकने का जो कार्यक्रम था उसे भी रद्द कर दिया गया था। इतना ही नहीं, जब राहुल गांधी कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स को संबोधित कर रहे थे तो उस मंच पर भी धारीवाल को स्थान नहीं दिया गया। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन राजस्थान प्रभारी अजय माखन ने भी इन तीनों पर कार्यवाही नहीं होने पर राजस्थान का प्रभार छोड़ दिया था। ये बात भी ध्यान देने वाली है कि मंत्री महेश जोशी अब तक पूरी यात्रा में कहीं भी नजर नहीं आए हैं। बताया जाता है कि वो कोटा गए जरूर, लेकिन यात्रा में शामिल नहीं हुए। वही धर्मेंद्र राठौड़ केशोराय पाटन में यात्रा के विश्राम के दौरान वहां पहुंचे, लेकिन वे सरदार शेर से नवनिर्वाचित विधायक अनिल शर्मा को साथ लेकर गए ताकि नेताओं में मिलने का बहाना मिल जाए। दोस्तों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।